ए भैया बटन दबावे साइकिल देख निशानी, सपा के झंडा लहर लहर लहराला तू आसमानी। चला ए भैया बटन दबावे साइकिल देख निशानी, सपा के झंडा लहर लहर लहराला तू आसमानी। राजू भैया झंडा गड़ी है संसद भवन में जाई के, भेजल जाई भैया के अपना जीताई के, भेजल जाई भैया के अपना जीताई के। नमस्कार, मैं हूँ जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब के सीटीवी। घोसी लोकसभा चुनाव में अब भोजपुरी सुपरस्टार यानी कि भोजपुरी गायक भी कह सकते हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं चंदन और नंदन, दो जुड़वा भाई हैं, और आज ये किसी के सपोर्ट में आए हैं, किसके सपोर्ट में आए हैं ये जानते हैं। आप लोगों का स्वागत है हमारे खास साथ। नमस्कार, आपके चैनल पंजाब के हैं लोगों के बीच रहे, कोरोना काल में भी बीच में रहे, सबको दुख को समझे, उनके साथ हूँ। महुआ सुरसंग्राम में आपको विजेता भी रहे, किस सन में रहे आप? 2008 में। 2008 में सुरसंग्राम सीजन 1 में थे। जुड़वा भाई के नाम ज्यादा आप फेमस? जी जी जी, महुआ में जी। मैंने तो पहले ही कहा भैया के प्रत्याशी के साथ राजीव भैया जी, हम लोग जैसे कि हम दूसरे की बात छोड़िए, हम लोग में जो भी कहा है हम लोग भैया मेरा काम किया है, हमको यही चाहिए भैया। मतलब मदद किया? हाँ किया, सबका मदद किया। अच्छा, आप चंदन है कि आप चंदन? हम चंदन है या नंदन? नंदन है। ये बताइए, निरहू जी का भी प्रचार करते हैं, हमारा व्यक्तिगत संबंध है, कभी पार्टी कोई सदस्य थोड़े हमारे नहीं, किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, हम लोग प्रत्याशी को देखते हैं और जो प्रत्याशी हमारे होते हैं। ये भी कहा जाता है किसी भी लोग चुनाव लड़े तो भैया जिला पंचायत लोग तो चुनाव लड़ते ही हैं, बैनर नहीं मिला, हर पार्टी से हम लोग टिकट मांगा, लेकिन किसी ने सुना नहीं। भाई बेस उठ तो चाहिए ही चाहिए जीत के लिए, जीत लड़ना बड़ी बात नहीं होती है, जीतना बड़ी बात होती है। अभी क्या आप लोग सुरक्षा के साथ आए? नहीं नहीं, पहले से हम लोग की पहचान है और कला के माध्यम से के लिए पब्लिक से हमारे जो श्रोता है उनके लिए एक ही संदेश देना चाहेंगे। पहलवला में नहीं आई हा, पुसलवला में नहीं आई हा, बहलवला में नहीं आई हा, पुसलवला में नहीं आई हा, चपटप दबी हो बटनिया 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 साइकिल छाप देखी, टपटप दबी हो बटनिया साइकिल छाप देखी, टपटप दबी हो। पहले हम लोग दिमाग में दिमाग में आता जाएगा, हमें वही खाने में ही गाना लिखने के काम अभी बहुत जाएगा, ये गाना और हमारे चल ए भैया बटन दबावे साइकिल देख निशानी, सपा के झंडा लहर लहर लहराला तू आसमानी। चला ए भैया बटन दबावे साइकिल देख निशानी, सपा के झंडा लहर लहर लहराला तू आसमानी। राजू भैया झंडा गड़ी है संसद भवन में जाई के, भेजल जाई भैया के अपना जीताई के, भेजल जाई भैया के अपना जीताई के, भेजल जाई भैया के अपना जीताई के।
जरूर जरूर हम लोग यही कहेंगे कि आप लोगों का अधिकार है और हम लोग अपना सोच समझ के ही वोट दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, आप सोच समझ के वोट दें। इस पर कोई गाना बनाया कि नहीं आप? नहीं, अगली बार मिलेगा तो मिलेगा, अगली बार पाँच साल बाद। नहीं, पाँच साल बाद नहीं, एक दिन बाद। एक दिन बाद, एक दिन बाद। जी जी, तो बनाए हैं। हाँ हाँ। अच्छा, विकास को लेकर विकास ठीक है भैया, लेकिन जो हम लोग गली मोहल्ले जो हम लोग बचते हैं विकास दिखना चाहिए था। सभी लोग हाईवे हाईवे पर चलेंगे नहीं। हम देखिए अभी अभी हम लोग मोहल्ले में कितनी बार, अभी एक रोड हम लोग पास कराए थे, दो पास कराए थे, एप्लीकेशन हम लोग लखनऊ से पास कराए थे, लेकिन कोई उसका मुझे करवाई है नहीं करवाई। कैसे कोई विकास भी नहीं हो रही, कार्रवाई भी नहीं हो रही, नहीं जरूर। अब हमारे राजू भैया के तो उम्मीद लगेगी, भैया बिना पद के रहे कितना काम करा, बिना पद के हम लोग कितना काम करा चुके हैं, जब पद मिल जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब उनकी बात छोड़िए, तो कुछ भी कहते हैं तो अभी पार्टी का चुनाव लड़े गठबंधन क्या करता हो, चप्पल नहीं मारने की बात करते हैं। जितने भी आप लोग सभी से आपको सबसे ही अपने हम लोग तो एक दो दिन में पूरा कलाकार मिल के हाँ राजीव भैया सपोर्ट करेंगे, राजीव भैया के लिए सपोर्ट करेंगे। जो भी कलाकार की जो डिमांड होगी, जो कलाकारों के लिए जो भी सुविधाएँ हैं, कहाँ कोई सरकार कलाकार के लिए कर रही है। बिहार में इतनी भर्तियाँ हो रही हैं, संगीत टीचरों की भर्तियाँ हो रही हैं, लेकिन यूपी में कोई मतलब ही नहीं, यहाँ तो कोई भर्ती। हम लोग तो डिग्री लेके बैठे हैं, प्रभाकर की डिग्री लेके बैठे हैं, कोई मतलब ही नहीं है उसका। कलाकारों का जब हमारा विकास से छुटे नहीं रहे, नहीं नहीं। तो ये थे हमारे साथ चंदन और नंदन, जो भोजपुरी गायक है, काफ़ी मशहूर है और महुआ में सुर संग्राम के विजेता भी है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय को सपोर्ट करने आए हैं, और जो तमाम कलाकार जनपद में हैं उनसे भी ये अपील कर रहे हैं और उनकी एक बैठक भी करेंगे, ऐसा इन्होंने हमसे बात करी और कहा है कि एक बैठक भी करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएं, क्योंकि अभी तक कलाकारों के लिए कुछ यूपी में नहीं किया गया है और उम्मीद है कि राजू राय इनके लिए कुछ करेंगे, कलाकारों के लिए कुछ करेंगे। अब देखना यह होगा कि कलाकारों का वोट 1 जून को कहां जाता है और 4 जून को ये कलाकार किसके सर पे ताज सजाते हैं। मऊ से जाहिद इमाम, पंजाब के सिटी में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।